फ्रेंड्स, वेलकम टू सभ्यता अग्रवाल क्लासेस। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो नव वर्ष की सबसे पहले हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू, माय डियर फ्रेंड्स, माय ब्रदर, माय सिस्टर। तो आज का जो लेक्चर है वो है लिटरेचर से रिलेटेड। और क्या है इस लेक्चर में, देख लीजिएगा, ड्रामा। इससे पहले आपके पास मैंने 11 लेक्चर की एक सीरीज प्रोवाइड की थी, वो थी पोएट्री से रिलेटेड। क्या पोएट्री के जो फॉर्म्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो फॉर्म्स थे जैसे बैलेट, सटायर, इस तरीके के जो फॉर्म्स थे वो मैंने आपको बताए थे। उसके लेक्चर आप देख सकते हैं, चैनल पर ऑलरेडी प्रोवाइडेड हैं। तो उससे ही अब रिलेटेड जो दूसरा दूसरा लेक्चर है वो है ड्रामा। सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे कि ड्रामा होता क्या है। बेसिकली हम सभी को पता है कि ड्रामा क्या है। ड्रामा तो हर जगह होता है, ड्रामा हमारे घरों में भी है, ड्रामा कहाँ पर है, सभी जगह ड्रामा होता है। लेकिन वो ड्रामा और लिटरेचर का ड्रामा दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो क्या है ड्रामा, आप देख लीजिएगा इसका डेफिनेशन। ड्रामा डेवलप्स थ्रू डायलॉग्स एंड एक्शन अमंग द कैरेक्टर्स ऑन द स्टेज एंड रिक्वायर्स अ लार्ज सेट ऑफ पैराफर्नेलिया फॉर इट्स रिप्रेजेंटेशन ऑन द स्टेज बिफोर ऑडियंस। देखिए, ड्रामा जो है वो डायलॉग्स और एक्शन, उसमें ड्रामा में जरूर होंगे, डायलॉग्स भी होंगे, एक्शन भी होंगे, और वे किसके बीच में होंगे, कैरेक्टर्स के बीच में। और इसमें और नॉवल में क्या अंतर होता है? देखिए, नॉवल जो होता है इसमें हमें एक्सटर्नल किसी भी सामान की जरूरत नहीं होती, लेकिन जब हम ड्रामा को स्टेज करते हैं, ड्रामा में हमें अलग अलग तरह की चीजें चाहिएंगी। उसमें कॉस्ट्यूम्स भी चाहिएंगे, डिफरेंट काइंड ऑफ पैराफर्नेलिया इसमें हमें चाहिएंगे। तो यही ड्रामा नॉवल को डिफरेंट करता है नॉवल से, और ड्रामा में यही डिफरेंट होते हैं। और इसमें हम जो ऑडियंस होते हैं हमारे सामने, उसके सामने स्टेज प्ले होता है। हमने कॉलेज में भी देखा होगा, जैसे हमने जब मैं हाई स्कूल में था, रोमियो जूलियट एक प्ले हमने स्टेज किया था, तो वो होता है ड्रामा। ड्रामा जो है वो स्टेज किया जा सकता है, वाइल ऑन द अदर हैंड नॉवल कांट बी स्टेज, वो स्टेज पर नहीं लाया जा सकता। अब नॉवल देख लीजिएगा क्या डिफरेंस है। नॉवल में इट कैन बी इंजॉयड बाय रीडर इन हिज स्टडी इन प्राइवेट में स्टडीज की जा सकती है नॉवल की। वाइल ऑन द अदर हैंड ड्रामा जो है वो प्राइवेट में नहीं यूज किया जा सकता। ड्रामा हम पढ़ लेते हैं अपनी स्टडी के लिए, अपनी कंपटीशन के लिए, लेकिन बेसिकली जो ड्रामा होता है वो स्टेज के लिए ही बना हुआ रहता है। उसके अंदर जो भी क्वालिटी होती है वो स्टेज के लिए होती है। इस तरह नॉवल जो होता है उसमें स्टेज वाली ऐसी कोई बात नहीं होती, उसे हम प्राइवेट में स्टडी कर सकते हैं। एक और ड्रामा का पार्ट है क्लोसेड ड्रामा एंड पोएट्रिक ड्रामा। ये ड्रामा सबसे ज्यादा जो एक तरीके से इन फैशन एल मूड आया था, वो कब आया था? वो आया था 19th सेंचुरी, रोमांटिक एज में और विक्टोरियन एज में। जॉन कीट्स ने भी लिखा है, और ये पी बी शैले ने भी लिखे हैं, और भी राइटर्स ने लिखे हैं। एल्फर्ड लॉर्ड टेनिसन ने तो बहुत ही अच्छे कुछ पोएटिक ड्रामा लिखे हैं। तो इन सब के जो ड्रामा है, और पी बी शैले हमारे सिलेबस में भी है, तो हमें उसके पोएटिक ड्रामा पढ़ने हैं। वो मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा जब उसका चैप्टर चलेगा। तो क्लोसेड ड्रामा क्या होता है? इसी तरीके से नॉवल की तरह ही होता है, लेकिन क्या होता है वो इस नॉवल और क्लोसेड ड्रामा में डिफरेंट होता है, क्योंकि इसमें एक तरह के ड्रामेटिक सारे स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। उसमें जो मैंने आपके सामने स्ट्रक्चर ये दिया हुआ है, ये सब क्लोसेड ड्रामा में आपको मिल जाता है, लेकिन नॉवल में ये सब चीजें हमें नहीं मिलती। और ये हम प्राइवेटली हम इसे पढ़ सकते हैं। इट इज नॉट टू बी एक्टेड, इट कैन बी स्टडी इन प्राइवेट। तो अब हम ड्रामा के एक स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि ड्रामा कैसे काम करता है। सबसे पहले जो ड्रामा होगा, एक्सपोजिशन। एक्सपोजिशन क्या होता है? स्टार्टिंग जब होती है ड्रामा की, जब भी ड्रामा की स्टार्टिंग होगी वो होती है एक्सपोजिशन। फिर इसके बाद ड्रामा थोड़ा सा ग्रोथ करेगा, धीरे धीरे जब ग्रोथ करेगा, कुछ आगे स्टेज में थोड़ा सा ग्रोथ करता है जब ड्रामा, उसे ग्रोथ कहा जाता है। थोड़ा सा जब आगे की तरफ बढ़ेगा, आगे की तरफ बढ़ा तो ग्रोथ हो गया। फिर इसके बाद सबसे बड़ा ये होता है क्लाइमैक्स। किसी भी ड्रामा का जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो होता है क्लाइमैक्स, क्योंकि क्लाइमैक्स के बाद ही दूसरी स्टोरी स्टार्ट होती है। क्या होती है? या तो उसके बाद सुखद अनुभव होंगे या फिर दुखद। अगर हम कॉमेडी की बात कर रहे हैं तो दुख सुखद होंगे, हैप्पीनेस आएगी, डेनुमेंट आएगा। अगर दुखद है तो डिजास्टर आएगा, कैटेस्ट्रोफी आएगी। अब फिर इसके बाद एक्सपोजिशन हुआ, ग्रोथ हुआ, फिर क्लाइमेक्स में आ गया। फिर क्लाइमेक्स के बाद रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन क्या होता है? क्लाइमेक्स के ठीक बाद, जब उसके नीचे की तरफ चलता है, क्लाइमेक्स के नीचे का जो पार्ट है वो होता है रिजोल्यूशन। फिर उसके बाद एंड आता है, एंड कैटेस्ट्रोफी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। तो कैटेस्ट्रोफी क्या होता है? कैटेस्ट्रोफी होता है ट्रेजेडी में, जो एंड ऑफ द ड्रामा
ट्रेजेडी जहां पर होती है, वहां कैटेस्ट्रोफी होता है, एडेनुमेंट होता है कॉमेडी में। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। ड्रामा में दो चीज और पाई जाती है, प्रोलोग और एपिलोग। प्रोलोग होता है ये बिगनिंग जब होती है उसे प्रोलोग कहा जाता है, जो बिगनिंग में कुछ लाइंस की दी हुई होती है उसे प्रोलोग, और जो एंड में होता है वो एपिलोग होता है। एक फेमस प्ले है एज यू लाइक इट, उसमें हमें एपिलोग मिलता है और उसे उसकी कैरेक्टर जो फीमेल कैरेक्टर है, फीमेल कैरेक्टर है रोजालिंड, रोजालिंड एपिलॉग उसमें बोलती है। वो क्या लाइन है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो आज ड्रामा का एक छोटा सा स्ट्रक्चर आपके सामने लेकर आया हूँ। इसके बाद में आपको प्री एलिजाबेथ एंड इरा में जो ड्रामा थी, मिराकल, मोरलिटी, मिस्ट्री, इंटरल्यूड, इससे रिलेटेड लेक्चर आपके लिए प्रोवाइड कराऊंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। बाय बाय।